तो आज शिवानी जी की दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके, और ये जानकारी आप लोगों के पास में हम पहुंचा रहे हैं। और बाकी आप दोस्तों नमस्कार, मैं विजय कुमार, हम इस समय हैं शिवानी के घर के बाहर। और आपको बता दें कि देखो ये बिटिया कहाँ से मिलने आई है, मिट्टी कहाँ से आई, क्या नाम है? नून खारा, हरदोई जिला से बिटिया आई है। और उनके जो पीछे बैठे हैं नाना जी बैठे हैं, तो ये वीडियो बनवाने और चैनल बनवाने के लिए यहाँ पर आए, इंतजार कर रही शिवानी का, और शिवानी यहाँ पर है नहीं, और इनका बिटिया का चैनल बनवाना है। तो देखो हो सके मदद हो जाए इनकी यहाँ पर। तो बेटियाँ हमारे देश में बहुत कुछ करना चाहती हैं, 10,000 रुपये का नया फ़ोन लेके आई हैं, और अपने ब्लॉगिंग करने के लिए। हमारा देश बेटियों से तरक्की कर रहा है, जिस तरीके से शिवानी ने तरक्की की है, अन्य बेटियाँ भी तरक्की करना चाहती हैं, और हम चाहते हैं इसी तरीके से बेटियाँ लगातार तरक्की करती रहें। धन्यवाद। दोस्तों सभी भाइयों को नमस्कार, मैं विजय कुमार, हम इस समय हैं अरियारी गांव में, हमारे औरैया जिला की शान और शिवानी कुमारी के घर पर हम आए हुए हैं आज। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था, जैसे कि मैं कानपुर रहता हूं, अब लोग सभी लोगों को पता है, तो हमने बहुत प्लानिंग की थी कि शिवानी दीदी के घर पर चलें, तो हम वो दिन आ ही गया, और पता नहीं था कि हम आज शिवानी दीदी घर जाएंगे। बस यहाँ दिव्यापुर आए थे, थोड़ा सा कुछ काम था, तो इसीलिए यहाँ पर इस गांव में आ गए। तो आज शिवानी दीदी के दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके, और ये जानकारी आप लोगों के पास में हम पहुंचा रहे हैं। और बाकी आप सभी लोग, हमारे दर्शक लोग जानते ही हैं, हमारे चैनल के माध्यम से देखते रहते हैं हमारी जानकारी। और ये शिवानी दीदी का घर बन रहा है, और शिवानी दीदी घर पे काम चालू है इस समय, देख रहे हैं लगातार। और ये शिवानी दीदी का हमारे क्षेत्र में एक औरैया जिला की बहुत वैसे पहचान हुई है शिवानी दीदी के माध्यम से, और जितना ही बोलेंगे इनके बारे में, हमारे औरैया जिला के बारे में, तो अगर बोल दो, हमारे जितने फ्रेंड लोग बोलते हैं आपकी दीदी शिवानी दीदी कहाँ रहती, बोलते हैं हमारे बस घर के पास में ही हैं, तो वही शिवानी दीदी हैं, ये जो इनके घर रहा। और आज वो दिन आ गया जब इनके पास घर गांव और तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, ये जानकारी। और ये पूरा गांव का नज़ारा,